उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं इकरा साजू। यूपी के बुलंदशहर में खेल खेल में मामूली बात को लेकर हुए विवाद के बाद दो गुटों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें दोनों गुटों के एक दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने 33 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पथराव में गंभीर रूप से घायल लोगों को हेयर मेमोरियल सेंटर रेफर किया गया है। भीतर कोट सिकंदराबाद में बच्चों वहाँ आपस में झगड़ा हुआ और उसमें बड़े भी इन्वॉल्व हो गए और दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे, ईटा पत्थर, और पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया रोकने का, चेतावनी दी गई, लेकिन वो माने नहीं। अंत में उनको मुकदमा कायम करके 14 आदमियों को जेल भेजा। जो घायल हैं उन्होंने अस्पताल में उपचार हित लिया। वहीं सूरत घटना के बाद बहराइच प्रशासन का चाबुक चला। शहर में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए, जिसके बाद DIOS राजेंद्र पांडे ने शहर में चल रहे 13 कोचिंग सेंटरों को बिना छापे मारे बंद करवाया। साथ ही मानक विहीन सेंटरों को बंद करने के आदेश भी दिए। आपको बता दें, सूरत में कोचिंग सेंटर में आग लगने से 20 छात्र छात्राओं की मौत से सबक लेते हुए बहराइच जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह संज्ञान लिया और तत्काल बिना मान्यता के चल रहे कोचिंग सेंटरों को बंद कराने के आदेश भी दिए। हमारे यहाँ बहराइच में गुजरात की घटना को संज्ञान में लेकर के हम लगातार कोचिंगों का निरीक्षण करा रहे हैं। उनके मानकों को देखा जा रहा है, उनके पंजीकरण को देखा जा रहा है। शहर के मुख्य शहर में 13 कोचिंगें पाई गई हैं जो अनियमित थी। उनका पंजीकरण नहीं था, ना ही सक्षम अधिकारी द्वारा कोई मान्यता थी, तो उनका मौके पर निरीक्षण किया गया, बिना पंजीकरण के चलते पाए गए, तो उनको तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जिन कोचिंगों का आपने निरीक्षण किया है उसमें अग्निशामक यंत्र या इसे जो है उपकरणों को आपने देखा? चूँकि प्रथम दृष्टया पहले ही वो कोचिंग अनियमित थी, पंजीकरण ही नहीं था, तो उनकी अन्य शर्तों को देखने का प्रश्न ही नहीं था। चूँकि अनियमित हैं, अवैध हैं, उनको बंद करने का आदेश दिया गया है। वर्तमान में क्या स्थिति है, कोचिंगें चल रही हैं बंद हैं? आदेश निर्गत हो गया, जहाँ तक मेरे संज्ञान में लोगों ने बंद भी कर दिया है। अब खबर बुलंदशहर से आ रही है। यूपी में कच्ची शराब पीने से हुए दर्जनों मौतों की वजह से हाहाकार मचा है। वहीं बुलंदशहर में भी शराब के ठेके को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम के चलते आज बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र की महिलाएं आबकारी दफ्तर पर पहुंची और शराब के ठेके हटाने के लिए नारेबाजी और जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी आबकारी अधिकारी को दिया। मामला ये है क्या, वहाँ भी वहाँ तो ठेका उठना चाहिए, कहीं कहीं भी रख जाओ। गुलावटी से नई मंडी गेट से क्या क्या दिक्कत आती है? पीते हैं, बदतमीजी करते हैं, टॉयलेट करते हैं, किसी घर में बढ़ जाते हैं, लड़की लड़की आती है, बच्चे आते हैं, गाली गलौज करते हैं। क्या नाम है आपका? विमलेश है। कौन से गाँव के? गुलावटी के, नई मंडी गेट के। वही गोवर्धन तहसील के अधिवक्ता और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। साथ ही हमलावर उनके घर से 9000 रुपए और सोने की लड़ सहित एक अंगूठी भी ले गए। आपको बता दें, ये घटना थाना गोवर्धन क्षेत्र की है और पुलिस इस वक्त जांच में जुटी है। अब मामला गोवर्धन के विश्व प्रसिद्ध दान बाटी मंदिर के सहायक प्रबंधन ने करोड़ों के गबन में गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर मंदिर को ठेका नीलामी में मिली धनराशि में करोड़ों के गबन के आरोप हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच आरोपी सहायक प्रबंधन डालचंद चौधरी से पूछताछ में जुटी है। एसपी क्राइम अशोक कुमार मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये कोर्ट के आदेश पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला थाना गोवर्धन क्षेत्र का है और शिकायतकर्ता रामाकांत कौशिक द्वारा ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। गबन का कोई भी मामला नहीं है, ये जो है झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। चौथ वसूली का मामला है, इनको चौथ दे दो तो सारी चीज़ मतलब सही है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और सारी छवि को जी उन्होंने वही शिकायत मतलब गबन का दिया था, उसके संबंध में बयान दिया था, जबकि न्यायालय में सारी कैशबुक ठेका रजिस्टर वगैरह सारी जमा है वहाँ पे। अगर ऐसी कोई बात होती तो न्यायालय उन पर एक्शन ले लेती, 6 महीने से उसमें वहाँ जमा है आज तक। अगर कोई कमी होती ठेका रजिस्टर में, एक गिरिराज सेवा समिति जो उसको देखती है, उसके प्रबंधन को देखती है, उसमें एक
आनंद से रानी मिर्जा का मैटर सामने आया था, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश से 176 में मुकदमा दर्ज किया गया था और 420-406 में, और बाद में उसको क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर किया गया। और इसके अंदर जो मुख्य था अभियुक्त था लालचंद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये 406-409 में सरेंडर कर दिया। क्या सर इसमें और कोई लोगों को भी नाम सामने आ रहे हैं अभी तक? इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर बाकी कुछ नाम बाद में आते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अब बड़ी खबर बरसाना के गांव की है, जहां पर घर में गृह कलेश के चलते युवक ने खुद को गोली मार दी। और जब परिजन युवक को अस्पताल लेके जा ही रहे थे, तभी रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। तो वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात की। ये जनपद मथुरा में थाना बरसाना के अंतर्गत ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि एक व्यक्ति ने गृह कलेश में अपने आप को गोली मार ली है, जिसको अस्पताल ले जाता समय उसकी मृत्यु भी हो गई। इस बारे में अभी पुलिस छानबीन करवाई जा रही है और उसमें इस संबंध कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेरठ में लगातार पुलिस इनामी आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। ताजा मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी का है, जहां ब्रह्मपुरी पुलिस ने कल देर रात मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 20,000 के 4 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 800 ग्राम चरस, 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस मौके से बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में 5 दिन पहले ईंट भट्टे पर हुई संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत के मामले में पुलिस ने गैंगरेप के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मृतक युवती के पिता की तहरीर के आधार पर भट्टा मालिक सहित 7 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के बाद मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले की जांच CO सिटी को सौंपी गई है, जिसने गहनता से जाँच की जा रही है। अरे भाई सर, सर बर्थडे पे लड़की की हत्या का मामला है, क्या मामला था सर और पिता की तरफ से क्या तहरीर गई थी, क्या अब तक पुलिस जांच रिपोर्ट में सामने आया? ये दिनांक 23/24 की रात को एक लड़की अपने ही घर के अंदर सो रही थी, जिसमें बाहर उसका भाई सो रहा था। उसके पिता ने थाने पर सूचना दी कि वो जलकर उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची, उसका पंचायतनामा किया गया, घटनास्थल का मुआयना किया गया, FSL टीम बुलाई गई और उसको PM के लिए भेजा गया। बाद में उसके फादर ने शाम को एक अन्य तहरीर दी, जो फ्री रजिस्ट्रेशन के तहत कुछ लोगों को उसने नामजद किया कि इन्होंने जो है उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी। तमामी तफ्तीश, विवेचना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तहत जब उसका परीक्षण किया गया तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। और विभिन्न पहलुओं से हर एंगल से उसकी जांच की जा रही है, गहराई से तफ्तीश की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर इस विवेचना में अगली कार्रवाई की जाएगी। दरवाजा का बताया जा रहा है कि कुछ ये जिस समय उनके पड़ोस, ये करीब जो भट्टा है वहाँ पर करीब 300 क्वार्टर हैं, करीब 1200 लोग आसपास लोग रहते हैं। जिस मकान या झोपड़ी में ये बच्ची रह रही थी उसके बाहर एक टीन का दरवाजा है जो बंद था। जब पड़ोस के जोगिंदर ने इसमें से धुआं निकलते देखा तो उसकी पत्नी ने उसे बताया, इन लोगों ने उसे खोलने की कोशिश की तो नहीं खुला, कई लोगों ने उसमें जोर लगा के उसे खींच के तोड़ा और फिर उस दरवाजे को खोला। मेडिकल में उसकी पुष्टि नहीं हो रही बलात्कार। कितने लोग इसमें नाम दर्ज किए? उसने भट्टा मालिक को किया है, मुनीम को किया है, एक दो लोगों को और नाम। वही जनपद सिद्धार्थनगर के साइबर सेल प्रभारी पंकज साही की बीती रात को निजी कमरे में लाश पाई गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच के साइबर सेल प्रभारी रहे पंकज साही पिछले 23 मई को मतगणना के बाद से गायब रहे, जिनकी तलाश की गई लेकिन कहीं मिले नहीं। बीते 28 मई को लगभग 8 बजे जानकारी मिली कि उनके कमरे से बदबू आ रही है। ये जानकारी बगल में रहने वालों ने दी। कमरा तोड़कर देखा गया तो उनकी लाश मिली। दुख की बात यह है कि पुलिस की जानकारी होते हुए साइबर सेल प्रभारी पिछले 1 सप्ताह से गायब चल रहे थे, फिर भी पंकज साही के कमरे तक पुलिस पहुँचने में नाकाम रही। सिद्धार्थनगर में पंकज साही एक इंस्पेक्टर थे जो क्राइम ब्रांच के साइबर सेल के प्रभारी थे, अपने कमरे में
लाश को देखने से पता चलता है कई दिनों पुरानी लाश है, बिस्तर पर पड़े हुए थे। दुर्गंध आने पर रूम खोला गया तो उसमें मृत पाया गया। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई करके परिजनों को बुला करके 3 बजे रात में शव को उनके गृहजन पर भेजा गया है और अग्रिम कार्रवाई छानबीन की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये किस बैच के थे और कहाँ के रहने वाले थे? ये मूल रूप से देवरिया जनपद के भाटपार रानी के थे। 2001 बैच के सब इंस्पेक्टर थे, 2018 में इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हुए। सर, 6-7 दिन से जो लाश उनकी पड़ी थी, तो क्या सर यहाँ पर उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली थी, अवकाश नहीं लिए थे? नहीं, ये चुनाव के दिन उन्होंने ड्यूटी किया था, मतगणना के दिन उनकी तलाश की जा रही थी और वो उपलब्ध नहीं हुए थे। कोई छुट्टी या ऐसी बात नहीं थी, बस घर वालों से भी कांटेक्ट नहीं था, घर वालों को भी संपर्क किया नहीं किया, लेकिन एक बहुत ही मिलनसार और बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थी। उनका विभाग अच्छी शोहरत और अच्छा काम। सर, इनके परिवार के लोगों के लिए क्या करेंगे? एक परिवार के लोगों के लिए ये है कि हम उनके घड़ी में पूरा विभाग उनके साथ में है और जो मृत्यु के बाद की जो देयक हैं या जो अन्य चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से हैं उसको हम लोग जल्दी से जल्दी अब मामला श्रावस्ती जिले के थाना इकोना के क्षेत्र का है। पहली घटना मारपुरा गांव के पास की है, जहां पर काशीराम माई की शादी में बेटे के साथ बाइक से बारात में जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक अन्यष्ट होकर विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे पिता और बेटे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं दूसरी घटना पिटहरिया पुल के पास की है, जहां पर बाइक सवार सामने से आ रही ट्रॉली में भिड़ गया और इस घटना में भी 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के सदर इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मेन गेट पर लगे बिजली के मीटर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी आग देखकर भयभीत हो गए और चारों तरफ अपना अफरा तफरी का माहौल बच गया। वहीं इस आग सूचना पर दमकल विभाग को सूचना दी गई, मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच कर आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग कैसे लगी ये जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पैसे निकालने गया था सर, उसके बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि बाहर तार शॉर्ट हो गया। भागे आप लोग? हम सब लोग ऐसे भागे, धक्के भी देने पड़े थे। कितने घबरा गए थे आप लोग? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी, सबकी बाहर निकलने लगे, एक्सीडेंट से भी बच गए कुछ लोग। उसके बाद में कंट्रोल रूम से फिर ये फायर ब्रिगेड वाली 2 मशीन आई। लगभग 12:45 बजे करीब कुछ लोगों ने मतलब बताया कि आज कुछ चिंगारी या लपटें जी निकलनी है छोटे छोटे, तो जैसे ही हम लोगों ने बाहर देखा तो मीटर में से आग निकल रही थी और वो आग निकलती फिर हमने लोगों को यहाँ पे अपने जो अग्निशमनी यंत्र थे उनसे तुरंत यूज करके उसको जो ज़्यादा फैलने से मतलब रोक लिया। सारे कर्मचारी बाहर आ गए थे? जी, सारे कर्मचारी और ग्राहक सब बाहर आ गए। फतेहपुर सीकरी दरगाह के अंदर पुलिस और दुकानदारों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। लड़का पकड़ने को लेकर दुकानदारों ने पुलिस से मारपीट की, पुलिस ने भी बचाव में हवाई फायरिंग की। मारपीट में एक सिपाही और एक दरोगा गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें, पुलिस का आरोप है कि फतेहपुर सीकरी दरगाह पर पर्यटकों से चादर पोशी के नाम पर ठगी होती है। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए।